बेसिकली जैसे कि मैंने तुम्हें बताया थोड़ा सा केयर वेयर वाला डे है, और कहाँ बिजी जा रहे हो मैं तुम्हें एंड में बताऊंगी। तो आज थोड़ा सा संडे है, थोड़ा सा फ्री है, मास्क लगाना था इसलिए मैंने हेयर वॉश नहीं करे, अब करूंगी। और जो मास्क मैंने बनाना है वो बनाना है, ये देखो मैंने कुछ एलोवेरा तोड़ लिए थे और अच्छे से एलोवेरा मैंने सारे यहाँ पे छील लिए, और इसमें मैंने थोड़ा सा चार चीजें ऐड करनी होती है, मतलब पांच कोकोनट ऑयल अगर तुम्हारे पास है तो ऑप्शनल है, और अब इन्हें जितना जल्दी हो सके शावर कैप से या फिर पॉलिथिन से कवर कर लेना। दिल्ली में ग्रिल पे सीसीटीवी कैमरा होते हैं आंटियों के रूप में। ओके सो आई एम हियर विद वन मोर व्लॉग रोटी फूल की, देखो सुंदर सुंदर रोटी फूल की। तो बेसिकली आज संडे है और मुझे थोड़ा बहुत हेयर मास्क फेस मास्क जो भी है वीकली केयर करनी चाहिए वो सब करना है, तो मैं सोचा जब मैं आज फ्री हुई तो मैं वीडियो बना ली थी, तुम लोग सीख लोगे, तुम लोग भी कुछ कर लोगे, लगा लोगे, सुंदर बन जाओगे। बर्तन खत्म होने दो पहले। हाँ जी, तो खाने में बनी आलू गोभी की सब्जी, यहाँ बन रही है रोटियां और ये कुछ बन के तैयार है। और वैसे रोटियां तो देखो मैं अच्छी बना ही लेती हूँ, तुम्हें खानी हो तो बता देना भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी मैं नहीं खिलाऊंगी। तो इसी के साथ बाकी घर वालों से भी मिल लो, चलो ये इतना मेकअप करके कौन बर्तन धोता है, ठीक से धोना, ठीक से, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने तुम्हें बताया थोड़ा सा केयर वेयर वाला डे है, बाकी आज मैं फ्री हूँ। वैसे हम लोग रिसेंटली ना पूनम और मैं थोड़ा बिजी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बिजी वो तुम्हें मैं एंड में बताऊंगी, इसलिए वीडियोस कम ही बनाऊंगी। वैसे भी तुम लोग मेरी वीडियोस देखने को मर तो जा नहीं रहे हो कि हाँ भाई मैं तो बना 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 खुद ही बनाती हूँ, खुद ही डालती हूँ, तो वीडियोस तो खैर कम ही बना लिए मैंने, और कहाँ बिजी जा रही हूँ मैं तुम्हें एंड में बताऊंगी। तो आज थोड़ा सा संडे है, थोड़ा सा फ्री है, तो थोड़ा सा आज केयर वेयर करके थोड़ा सा बाहर जाएंगे। और हाँ, मैंने आज सोचा कि मैं जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था स्कूल वाले व्लॉग में कि सलोनी की शादी है 18th को, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली बात है सारे फंक्शन अटेंड करने हैं, तो आज उसके घर चल लेंगे। हाँ यार नाइस, चलो चलो चलो। ओके सो आई एम हियर, और खाना खाने के बाद कभी भी लेटना नीचे मत लेटा करो, मैं तो सो ही जाती हूँ, ठीक है। तो 15-20-30-40 मिनट के रेस्ट के बाद मैं अब उठी हूँ और 1 बज गए, नहा धो के सुबह मंदिर होके आ गई थी, मास्क लगाना था इसलिए मैंने हेयर वॉश नहीं करे, अब करूँगी। और जो मास्क मैंने बनाना है वो बनाना है बनाना जो कि पका हुआ होना चाहिए, थोड़ा हो गया है गल गल सा, ठीक है। बनाना, राइस, कर्ड और एलोवेरा, एलोवेरा भी मैंने भिगो रखा है वहाँ पे, और सोप ड्राइज भी वहीं पे है, ठीक है, छोड़ो नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले जो मैंने ओवरनाइट राइस स्टोक करे हुए थे उसका वाटर सेपरेट करके टोनर बना लिया है, राइस वाटर का और रोज़ वाटर, तो इसे स्प्रे करेंगे। इसके रिजल्ट्स ना बहुत अच्छे हैं, मैंने ट्राई करा हुआ, पर जब इसमें से स्मेल आने लगे ना तो इसे फेंक देना, क्योंकि 4-5 दिन बाद मुझे आने लगती है और ये बहुत है, और दिन में 2 बार ही करना होता है बस। अब फटाफट मास्क बना लेती क्योंकि टाइम हो रहा है। मैंने पहले ही एलोवेरा छत पे से तोड़ के और इन्हें पानी में रख दिया था ताकि जितने भी जहाँ से गंदगी वगैरह होती है ना वो निकल जाए, बस अभी ना एक बार छील देना है, और वैसे इतना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा मैं उसे स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी। तो फटाफट छील लेती हूँ यार एलोवेरा, मैंने सारे यहाँ पे छील लिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा ये कोकोनट ऑयल लाई थी मैं पतंजलि का, ये ऐड कर लिया क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है एलोवेरा ना एक बार ग्राइंड कर लेती, क्योंकि जैसे मार्केट वाला एलोवेरा होता है ना बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है वैसा हो जाएगा, और अगर थोड़ा एलोवेरा बच जाएगा तो मैं स्टोर कर लूँगी, खाली कंटेनर्स वगैरह तो पड़े ही हैं, ठीक है। एक बार इसको ऐसे ग्राइंड कर लेते हैं, ओके। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी टूट गई है, मेरे को लगा ऐसे थोड़ा अच्छा एलोवेरा बन जाएगा, पर ये तो प्रावा एलोवेरा जूस बन गया और कुछ ऐसा है। आता अब किसी को पलट लेंगे, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा छोटा मोटा, क्या पता स्टोर करके जमा के थोड़ा हो जाए ऐसा, वैसे इसलिए मैंने ये ले रखा है, इसमें स्टोर कर लूंगी, नेस्कैफे का बचा हुआ था, कोई नहीं। ओ, तो इसमें स्टोर कर लेते हैं पहले, सारा ही हो गया ये तो, कोई नहीं, नाइस।
मेरे ख्याल से सारा यूज हो जाएगा क्योंकि एलोवेरा अच्छा वर्क करता है। और अब फाइनली मास्क बनाते हैं। इसमें मैंने रखे हुए थे भिगो के मेरे चावल, फर्मेंटेड राइस यूज करना है आपको, और इसका वाटर मैंने स्प्रे के लिए दिखाया था, मैंने स्प्रे के लिए बना लिया था। बाकी तुम्हें इसमें ये राइस, मतलब पहले तो वाटर आ गया और फिर ये राइस। एक सेकंड में मशीन में। वैसे तो चावल और ये तुम्हें अच्छी क्वांटिटी में, मतलब चावल अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए, पर बात कुछ ऐसी है कि जितने भी कल चावल थे मम्मी ने सारे पका लिए थे, तो मैं थोड़े से बने हुए यूज कर ले रही हूँ रात के। वैसे पर ये अगर तुम यूज करोगे ना तो तुम्हें ध्यान करना है कि अच्छे से ग्राइंड हो जाए, क्योंकि बालों में ना फंसते हैं। तो कंडीशनर शैम्पू के टाइम ना कॉम्ब मार लेना थोड़ी, ऐसे चिपक करे हैं। तो ये कुछ ज्यादा ओवरफिल हो गया है। और चार चीजें ऐड करनी होती है, मतलब पांच कोकोनट ऑयल अगर तुम्हारे पास है तो ऑप्शनल है, बाकी तुम विटामिन ई के कैप्सूल यूज करो तो वो भी अच्छा है। ओके सो फाइनली ये काफी अच्छा सा थिक सा बन गया, एकदम क्रीम जैसा, जो कि हेयर्स पे अच्छे से होल्ड भी कर जाएगा। तो वीकली ये ट्रीटमेंट करने से ना बहुत अच्छा असर मिलता है। ओके तो फाइनली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा थिक क्रीम जैसा बन गया बिल्कुल, मतलब बन तो थोड़ा ज़्यादा किया है, अब देखते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे ना नीचे से हेयर बहुत डैमेज होते हैं और ये सारे डैमेज ना कवर करता है। वीकली ये ट्रीटमेंट बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, पर काफ़ी अच्छे से बन गया है। तो बस फाइनली अब लगाऊंगी, जाके नहाऊंगी और उसके आगे कंटिन्यू करती हूँ क्या करना है, पर रहना हो मेरे बाल। ओके सो मैंने ओवरनाइट ऑयलिंग भी रखी हुई थी, तुम ना सीधा ही लगाते हुए देख लो, आगे कंटिन्यू करने लगे। बहुत बुरी दिख रही हूँ, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, थोड़ी देर ऐसे मुझे घूमना पड़ेगा। मेरा बिगेस्ट टास्क ये है कि मैं ग्रिल से भाग के नीचे कैसे जाऊंगी, क्योंकि ग्रिल पे बाकी लोग देख लेंगे, बाकी तुम्हें पता है दिल्ली में ग्रिल पे सीसीटीवी कैमरा होते हैं आंटियों के रूप में। चलो कोई भी नहीं है ना, भागो। अच्छी लग रही हो ना, बड़ी मम्मी कहाँ है, सो रही है, सोई हुई तो नहीं लग रही। तभी घुमा लिया मैंने, लग रही हो ना, रेखा चौहान, ओ सॉरी, लग रही हो ना सुंदर। चलो हाँ अभी लगाया, 10 मिनट रखूंगी, बालों का भी आधा घंटा।
फिर मैं संतूर वाली लगूंगी, लड़की जो टीवी में आती है। अच्छा ठीक है, आपकी तरफ नहीं मैं लेटे नहा धो के तैयार हूँ, और मैं गीले बालों में ही घर से निकल गई थी, वो तो यहाँ आके मेरे बाल सूख गए हैं। पूनम के घर आई हुई हूँ और तुम चूजे के वो सॉरी चूजे से मिलो, ये इसका खाना है, इसमें चूजे हैं, इसमें दोनों चोच मारते हैं बहुत, मेरे को मारी है।